सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अगर आपने इस योजना के लिए आवेदन किया है और अगर आवेदन में कोई गलती है तो कैसे इन गलतियों का सुधार कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में बेल आइकन को भी दबा लेना है। दोस्तों, इससे जब भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर नया अपडेट आता है या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कोई नई जानकारी आती है तो उसका वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत सालाना किसानों को 6000 रुपये की राशि की मदद की जाती है और इस राशि के माध्यम से किसान अपनी संभावित ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। दोस्तों, इस स्कीम के माध्यम से देश के हजारों, लाखों, करोड़ों किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली, दूसरी और तीसरी किस्तें भी मिल चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपने आवेदन किया है और आपको अभी तक इसकी एक भी किस्त नहीं मिली है या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन आपको किस्त नहीं मिल रही है तो कैसे आपको चेक करना है कि आपकी किस्त क्यों नहीं मिल रही है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन में गलतियाँ हो रखी हैं जिसके कारण आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम का जो पैसा है वो आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे आपने रजिस्ट्रेशन की गलतियों को सुधार करना है गलतियों में और कैसे आपको फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की स्कीम के जो पैसे हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन आप किन किन गलतियों का सुधार कर सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पे, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपने आवेदन किया है और आपके आवेदन में कुछ गलतियाँ हैं या आपको इस स्कीम का पैसा आपको नहीं मिल रहा है कैसे आपने जानना है कि आपको स्कीम का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और कैसे आपने आवेदन में सुधार करना है। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर आपको आ जाना है। pmkisan.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ आपको आना है और फार्मर कॉर्नर पे आपको आना है। यहाँ फार्मर कॉर्नर पे किसान अपने नए आवेदन कर सकते हैं और आधार रिकॉर्ड को सही कर सकते हैं और बेनिफिशरी स्टेटस और बेनिफिशरी लिस्ट आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले इसके लिए आना है बेनिफिशरी स्टेटस पे। बेनिफिशरी स्टेटस पे आपने क्लिक कर लेना है इस तरह से और आपके सामने एक ये पेज खुल जाता है। यहां आपको तीन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। इनको आपने क्लिक कर लेना है जिस माध्यम से आप चेक करना चाहते हैं। आधार से अगर आप चेक करना चाहते हैं, आधार पे इस टाइम क्लिक हो रखा है। अगर अकाउंट नंबर से आप चेक करना चाहते हैं, आपको अकाउंट नंबर पे क्लिक कर लेना है या मोबाइल नंबर पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको वही नंबर डालना है जो आपने क्लिक किया है, अकाउंट नंबर, आधार नंबर या मोबाइल नंबर आपको डालना है और गेट डेटा पे आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आपके सामने उसके बाद इस तरह का एक पेज खुल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपका जो स्टेटस है, जो बेनिफिशियरी स्टेटस आपने सबमिट किया है या चेक करने के लिए, वो आपका या जो आपने नंबर डाला होगा, जो अपना आप आधार नंबर, मोबाइल नंबर से चेक करते हैं, तो इस तरह से आपका ये खुल जाता है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको सबसे पहले अगर आपकी कोई गलती है तो यहीं से आपने चेक करना है। आप देख सकते हैं, आप फार्मर नेम सबसे पहले आपका आ जाता है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका आता है, आधार नंबर दोस्तों उसके बाद आपका आता है, आधार नंबर, उसके बाद आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन की डेट, अकाउंट का स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसके बाद PFMS, बैंक स्टेटस, बैंक का जो रिजेक्शन का कारण होता है वो यहाँ आता है। तो सबसे मुद्दे की बात दोस्तों यही है कि रिजेक्शन का कारण क्या है। आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो रखा है, रजिस्ट्रेशन डन है और एक्टिव भी है अकाउंट, लेकिन इनको किस्तें नहीं जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई PFMS बैंक। तो दोस्तों, इनका रिजेक्शन का क्या कारण है वो आपको बता देते हैं। दोस्तों, डाटा रिजेक्शन रीजन, रिजेक्टेड बाय बैंक अकाउंट नो डज नॉट एग्जिट द इन बैंक, ये लिखा हुआ है यहाँ। डाटा रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट बाय बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिट इन द इन बैंक। ये आप देख सकते हैं, ये अकाउंट नंबर जो है इस बैंक में ये है ही नहीं जो बैंक इन्होंने शो किया है।
तो आपको दोस्तों यहाँ आपका रिजेक्शन का कारण मिल जाता है। और दूसरा आप देख सकते हैं इसी तरह से एक दूसरा जो कारण है ये आप देख सकते हैं, दूसरा स्टेटस है दूसरे किसी और दूसरे फार्मर का। तो अब यहाँ जो रिजेक्शन का कारण क्या है वो आपको बता देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप देख सकते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट अभी नहीं आई है और कई थर्ड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का जो पेमेंट का वो बताता है पेंडिंग दिखाता है। तो उसका कारण दोस्तों ये है कि आपका आधार का नाम बैंक में जो आपने नाम दिया है वो और जो आवेदन में आपने नाम दिया है वो आपका मैच नहीं होता है। यहाँ आप देख सकते हैं रामनिवास लिखा है, कहीं हो सकता है रामनिवास प्रसाद हो सकता है या रामनिवास सिंह हो सकता है, ऐसी कुछ भी अगर आपका नाम अलग हो जाता है तो आपको किस्त नहीं मिलेगी। ये इसलिए नहीं मिलेगी दोस्तों क्योंकि पहली और दूसरी किस्त के समय आधार में जो नाम थे वो वेरीफाई नहीं हो रहे थे, आपने बस अप्लाई किया था तो आपको इसके पैसे मिल जाते थे और अब आधार का जो वेरिफिकेशन है वो कंपलसरी कर दिया था तो इसलिए आपकी किस्त रुक गई है। तो दोस्तों अभी आधार वेरिफिकेशन जो है बंद कर दिया गया है लेकिन आपको फिर भी आधार वेरीफाई करना ज़रूरी है क्योंकि आगे ये फिर 30 नवंबर के बाद ये दोबारा से वापस चालू हो जाएगा। तो अब आपको बता देते हैं कैसे आपको ये स्टेटस जो आपका आपने देखा है इसमें जो आपने गलतियां देखी हैं वो कैसे आपको उनको सुधारना है। तो दोस्तों इस तरह से आपने एडिट आधार ये फार्मर कॉर्नर पे जाके एडिट आधार फेलियर रिकॉर्ड पे आ जाना है। यहाँ आपने दोस्तों आपका जो आधार नंबर है वो आपने डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपने ये कैप्चा कोड यहाँ डालना है, कैप्चा कोड यहाँ आपने डालना है, उसके बाद आपने सर्च कर देना है। तो दोस्तों आपको बता दें अगर आपके कोई जो आवेदन है उसमें कोई गलती है, आपके नाम में कुछ गलती है तो वो आप इस तरह से कैसे चेक कर सकते हैं। आपके सामने उसके बाद दोस्तों इस तरह का एक पेज आ जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका रेफरल नंबर आता है जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसके बाद फार्मर नेम आ जाता है। आप देख सकते हैं राम निवास यहाँ नाम आ रहा है और उसके बाद फार्मर नेम दोस्तों आप देख सकते हैं फार्मर नेम के नीचे एक ऑप्शन में फार्मर नेम में नाम आ रहा है, एक ऑप्शन खाली आ रहा है, सब डिस्ट्रिक्ट आ रहा है नाम, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद विलेज, उसके बाद आधार नंबर एंड न्यू आधार नंबर, दो कॉलम यहाँ जो ऐसे हैं जिनमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इनका जो नाम है वो आधार में इनका नाम सेम नहीं है और इसीलिए यहाँ आधार नंबर भी आपको खाली एक नया ऑप्शन दिखा रहा है और नाम का भी। तो दोस्तों आपने यहाँ जाके एडिट आपने कर देना है और अपना आधार कार्ड आपने पकड़ लेना है। आधार कार्ड में नाम क्या है, अगर आपका नाम RAMA रामा निवास भी है तो आपको RAMA यहाँ डालना है, आपको राम निवास नहीं डालना है, आपको RAMA इस तरह से स्पेलिंग चेक करके आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपका आधार नंबर, क्योंकि आपका आधार में नाम गलत है तो आपको आधार नंबर ही आपको केवल आधार नाम ही आपको सही डालना है। तो जब आप आधार में जो नाम है वो सही डाल देते हैं तो आपको आधार नंबर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका आधार सही है, केवल आपका फॉर्म में नाम गलत है। उसके बाद दोस्तों आपने अपडेट आपने कर देना है और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर इस तरह का एक मैसेज आता है कि आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और अब आपका जो है अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों बाद जो आपने अपडेट किया है। तो दोस्तों इस तरह से आप आधार के जो रिकॉर्ड हैं वो सही कर सकते हैं। और यहाँ आपको बता दूँ यहाँ केवल वही ऑप्शन आपको दिखाएगा, एक फार्मर नेम सही करने का, एक आधार नाम सही करने का। अब दोस्तों आपको बैंक का बता देता हूँ, अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर गलत है या आपका IFSC कोड गलत है तो आपको वो कैसे सही करना है। इसके लिए दोस्तों आपको आपके नज़दीकी कृषि विभाग के ऑफिस में जाना है या आपको राजस्व विभाग में जाना है, यानी तहसील में आपको जाना है राजस्व विभाग के ऑफिस में, और वहाँ आपको पटवारी से या लेखपाल से आपको मिलना है और उनसे अपनी शिकायत करनी है कि आपका जो आवेदन है उसमें आपका अकाउंट नंबर गलत जोड़ा गया है या गलत हो रखा है, या आपकी जो अकाउंट से संबंधित जो जानकारी है वो आप वहाँ सही करा सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों आधार नंबर आपको सही कराना है लेकिन आपको आधार नंबर क्या आपका यहाँ जोड़ा गया है वो नहीं मालूम तो भी आप तहसील से वो सही करवा सकते हैं और इस तरह से आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा और आधार में नाम कैसे आपको चेंज करना है, आधार का वेरिफिकेशन कैसे करना है, इससे संबंधित ये वीडियो था। तो दोस्तों अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई जानकारी चाहिए, आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।